दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक गुरु SBC में। और यदि आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट से मोटी कमाई के लिए और बेल आइकन दबाएं टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों नमस्कार। और लास्ट वीक के जोरदार वॉलेटाइजेशन के बाद मैं एक बार फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि जो इतने स्टॉक्स नीचे के स्तरों पर आ गए हैं उनमें कौन से स्टॉक हैं जो हम बाय करने के लिए रेडी रहें या कुछ वेट करें और हमें बढ़िया एंट्री उनकी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए मिल जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और उनमें से हम बारी बारी से एक एक स्टॉक का टेक्निकल बेस पर चेक करेंगे कि क्या हम उनमें एंट्री कर सकते हैं या नहीं। इसी कड़ी में मेरा पहला स्टॉक है BHEL भैल, जो कि अभी रिसेंटली बाय बैक के सम न्यूज के चलते खबरों में था और अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम इसको ले सकते हैं या नहीं। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये वीकली चार्ट है, डेली नहीं है। और वीकली चार्ट पे जो मुझे पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि एक तो लॉन्ग टर्म चार्ट पर जब मैं इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं तो एक इजी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखता है, जो ये बताता है कि अभी स्टॉक से दूर रहने में भलाई है। लेकिन दूसरी ओर वीकली चार्ट और चीज विजिबल है वो है अंडर कंस्ट्रक्शन हेड एंड शोल्डर। देखिए तो इसके अभी लास्ट लेग फॉर्मेशन ऑफ लास्ट लेग पेंडिंग है। अगर ये मूव करता है अबोव 77 तो ये कंफर्म बाय होगा और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो बाय करें मूविंग एवरेज 13 डे मूविंग एवरेज जो के अराउंड 74 है वहां पर बाय करें और 77 अगर क्रॉस हो जाता है तो वो होल्ड करें, नहीं तो वेट करें और एग्जिट कर लें। 77 के ऊपर स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स 98 ईजीली। जो हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो अभी सेल मोड में हैं और थोड़ा वेट करके एंट्री करने में हमें ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है। उस स्थिति में हमें 63 तक के लेवल्स इसमें इन फ्यूचर मिल सकते हैं जहां पर हम 6190 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं या 6150 का स्टॉप लॉस रख लें उसके साथ आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे लिए है Axiscades। दोस्तों इस स्टॉक पे हमने कई बार बाय कॉल दिए हैं और टाइम टाइम पर इसने अच्छे बाउंस भी दिए हैं, बट जब लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो ये पता लगता है कि स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है और बेटर है कि हम लोग फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड करें। हालांकि इस पर सपोर्ट अराउंड 76, लेकिन बिलो 76 इसमें काफ़ी नीचे के तक के टारगेट ओपन हो सकते हैं और एक बार बेटर होगा कि हम इससे दूर रहें बाइंग के लिए, क्योंकि ये सभी मूविंग एवरेज से नीचे है 13, 20 और 50 और 100। 100 डे मूविंग एवरेज से तो ये काफ़ी नीचे है, लगभग वन थर्ड बस हाफ है। तो अभी हम इसका वेट करें और जो गिरावट आई है रिसेंटली, हालांकि उसमें वॉल्यूम्स नहीं है, बट अगर कोई भी एंट्री लेना है तो अराउंड 60, जो कि अभी ये बताता है कि यहाँ से और 50% फॉल आ सकता है। सपोर्ट जो है लास्ट टाइम जहाँ से बाउंस हुआ था वो है 90, जो कि अभी इसका लेवल ब्रीच हो चुका है। क्लोजिंग इसकी लॉस्ट क्लोजिंग है और बेटर होगा कि वेट करें। RSI स्टिल डाउन ट्रेंड में है, विलियम परसेंटेज आर भी डाउन ट्रेंड में है, MACD ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसमें हम वेट कर सकते हैं।
सो आप एंट्री से दूर रहें। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में जो रिसेंट फॉल था उसके में स्टॉक पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, और हम ये जानते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो भी रेगुलर बढ़ रहे हैं वो उस स्टॉक के लिए नेगेटिव है, और स्टॉक जो है लगभग 1280-90 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अगर हमें गिरावट में मिले ये फिल 1250 तक के लेवल्स पर एंट्री के लिए गुड लेवल्स साबित हो सकते हैं। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय है। 1200 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट्स को हम बाय कर सकते हैं।